नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज का ये जो हमारा टॉपिक है, भारत में प्रथम महिला, ये टॉपिक एनसीएल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से एनसीएल की परीक्षा में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप एनसीएल का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आपको उनमें 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन रही? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला शासक कौन रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला शासक रही है। और ये दोस्तों प्रथम मुस्लिम महिला शासक भी रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली भारतीय महिला डॉक्टर कौन रही? तो पहली जो भारतीय महिला डॉक्टर रही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंदीबाई जोशी, प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो भारत की जो प्रथम राज्यपाल थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम राज्यपाल भी रह चुकी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री उस टाइम पे रही थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमारी रीता फारिया, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ही सभी गलत है, ये इसमें टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, एनी जो एनी बेसेंट थी, जो एनी बेसेंट भारत की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे सही कर लीजिए और आपको पीडीएफ में जो ये टेलीग्राम पर मिलेगी उसमें ये करेक्शन करके आपको पीडीएफ मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो ये भारतीय महिला अध्यक्ष है और ये थी केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। तो ये भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयंती पटनायक, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और जो श्रीमती इंदिरा गांधी है प्रथम भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृता कौर, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री रही थी। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन रही? तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम भारतीय महिला थी वे थी ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेनिन
लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा आसिफ अली लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम प्रकनली शिशु थी। तो दोस्तों भारत की जो प्रथम प्रकनली शिशु थी वो थी इंदिरा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन रही। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती सन्नो देवी विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर रही थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक सेवा हेतु रेमन मैग्सेसे अवार्ड से अलंकृत प्रथम भारतीय महिला थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण बेदी। और दोस्तों जो किरण बेदी थी ये प्रथम भारतीय महिला आईपीएस भी रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति भी रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्ना जॉर्ज जो थी भारत की प्रथम महिला आईएएस भी रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। दोस्तों ये जो काफ़ी ये सभी क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप एनसीईआरटी का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, उसमें इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन इससे ज़्यादा भी देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आसिमा चटर्जी भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा पूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला रह चुकी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहर मूसा अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरजा भनोत अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा साहिब फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम भारतीय महिला सभापति कौन थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला सभापति रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन है। तो दोस्तों इसका हमने आपको आंसर पहले ही बता दिया था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, किरण बेदी भारत की प्रथम आईपीएस महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पिछले एचएमएम ऑपरेटर एनसीएल के एग्ज़ाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों इसका जो एनसीएल ने आंसर दे रखा था वो दे रखा था नरगिस स्मिता पाटिल, जो इसका गलत आंसर था। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार पूछा ही जाता है और एनसीएल के एग्ज़ाम में पूछने के इसके चांस काफ़ी है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और दोस्तों इन्होंने भारत उत्तोलन में सन 2000 में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीता था। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में ये समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर आपको PDF भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF सारे डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो आपको इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी 70 लाइक करने होंगे। और जब भी आप इस वीडियो पर 70 लाइक कर दोगे जल्दी से जल्दी, हम इसका सेकंड पार्ट तभी अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।